आज़ो, 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 आज़ो। चलो हेलो एवरीवन आई वेलकम यू टू द स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म दिस इज योर स्ट्रैटेजी सेशन फॉर आईबी है ना एसीआईयू का जो पेपर आया है वी विल डिस्कस इट इन डिटेल कहां कहां से तैयारी कर सकते हो किन को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए किन सोर्सेज से पेपर आता है व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ट के ऊपर आपको फोकस करना है राइट गुड इवनिंग एवरीबडी सो इफ सी तीन साल बाद ये पेपर आया लास्ट पेपर जो आया था वो आपका 2020 के एंडिंग में आपका नोटिफिकेशन आया था एंड फेबररी 2021 के करीब आपका यह पेपर हुआ था ठीक है इस बार पोस्ट 995 हैं, बेसिकली रिड्यूज पोस्ट हैं पहले दो हजार, हजार के तक वैकेंसी वे? रहती थी एंड अगर आप रजिस्ट्रेशन डेट की बात करो पच्चीस नवम्बर से शुरू हो रहा है एंड पंद्रह दिसंबर को खत्म होगा दिस डेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ये डेट इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम कब होगा ये मेंशन नहीं है है ना सो वी हैव टू गेस्ट फ्रॉम हियर ओनली एंड उस चीज़ को अगर हम देखें तो आईबी बेसिकली और भी एग्जाम करवाता है जैसे आई का एस उसका जे एंड जो ए हुआ था दो में ठीक है तो अगर उनका हम पैटर्न देखें तो क्लोजिंग डेट जो आई का ऐसे पेपर था उसकी सेवनटीन फेब्रवरी को एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट थी

क्योंकि हंड्रेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं साठ मिनट का टाइम है आपके पास ठीक है सेकेंड थिंग अगर जो टायर टू का पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है टायर वन वाला आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा टायर टू वाला ऑफलाइन फॉर्मेट में होगा जिसमें ऐसे टाइप्स आपको चीजें लिखनी है राइट अगर आप बोलो कि भाई टायर टू का जो पेपर है है ना ये आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो तो बेसिकली जो ये फेब्रवरी इक्कीस में जब टायर वन हुआ था तो इस साल की जुलाई में आपका टायर टू का पेपर हुआ था सो ऑलमोस्ट अराउंड फोर टू फाइव कैन एक्सपेक्ट बिटवीन टायर टू ठीक है चलिए सर मेरे ग्रेजुएशन की ओवरऑल मार्कशीट हाँ आई एम कमिंग ऑन दैट ग्रेजुएशन पॉइंट आल्सो तो ए सी आईओ पंद्रह को ये बंद हो रहा है सो यू कैन एनी टाइम आफ्टर ऑफ जनवरी ठीक है तो जनवरी एंडिंग तक आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो टायर वन में आपकी पांच चीजों के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर वन थिंग यू हैव इज करंट अफेयर्स Two, three, four, और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा सो टायर वन इज अराउंड की बात करो तो जनरल का कट ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी के अराउंड जाता है ठीक है और जैसे जैसे फिर कैटेगरीज आएंगी पांच पांच नंबर रिड्यूस करते रहेगा दिस इज कट ऑफ इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है राइट right?

पेपर में आती है व्हाट वी कैन कॉल जो सीसेट वाले पेपर में आती है एंड एक आपने जो 11 12 में प्रेसी लिखी होगी बेसिकली 10th में भी होती है तो वो प्रेसी लिखनी है वो 20 नंबर की है राइट एंड लास्टली इज योर इंटरव्यू दिस इज आल्सो ऑफ 100 मार्क्स ये भी सौ नंबर का इंटरव्यू है ठीक है नाउ क्या 300 नंबर का टोटल है 50 का हुआ चलिए उसके बाद लेट्स मूव अहेड ठीक है

4975 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए एंड देन फाइनली जितनी भी वैकेंसीज होंगी 995 को फाइनल सिलेक्शन मिलेगी इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसमें जो आपकी फॉर्म रिजेक्शन का रेट है आईबी में ये बहुत हाई है ठीक है आपको अपने दोस्त लोगों से सुनने में मिला होगा भाई मेरा फॉर्म रिजेक्ट होकर आ गया था इसमें फॉर्म रिजेक्शन रेट बहुत हाई है तो ध्यान से सोच समझ के भरना वट आर यू फीलिंग फोटो वगैरह आपकी सिग्नेचर सब कुछ अप्रोप्रिएट होना चाहिए राइट उसके बाद लेट्स कम टू कि भाई किन एरियाज पे फोकस करना है क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ एक डेढ़ महीना एट मैक्स है उसके ज्यादा का टाइम नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली जो भी लोग इसको भरेंगे पेपर उसमें से हाफ मेजोरिटी उनकी होती है जो यूपीएससी दे रहे होते हैं और इसको बैक अपना कि भाई क्या बोलते हैं उसको हाँ अपने बैकअप के लिए इस पेपर को देते हैं ठीक है सो so, पहली मेरी सजेशन आप लोगों को यही है कि भाई दो कैटेगरीज में अब हम बच्चों को बांट सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एक तो वो जिन्होंने नवंबर एंडिंग तक का टाइम अपना रखा था मेंस की तैयारी के लिए कि भाई दिसंबर एक से या मिड ऑफ दिसंबर से हम कंप्लीटली प्री पे फोकस करेंगे या शिफ्ट हो जाएंगे राइट वो बच्चे इसको देना सेकंड कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी तैयारी मिक्स में चला रहे हैं सो नाउ इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई मैं दो से तीन घंटे हर रोज डेली बेसिस पे इस एग्जाम के लिए निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी देन यू शुड गिव दिस एग्जामिनेशन अदरवाइज अपना टाइम खराब मत करना ठीक है अगर आप पूछो इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है एज अ बैकअप ऑप्शन बहुत अच्छी जॉब है इट्स गुड जॉब इट्स में इज्जत है इस की, so, उस बेसिस पे अपना तैयारी का टाइम डिवोट करना तीन घंटे भी अगर दे दोगे अब से लेके पंद्रह जनवरी तक तो दे आर मोर देन इनफीक है सबसे पहले जो करंट अफेयर है ठीक है हम देखते भी हैं तो बेसिकली इसके सिलेबस में बहुत चीजें दी हुई है And वो चीजें बहुत ब्रॉड हैं जैसे यूपीएससी को बोला जाता है न, तो जो होते, उनका भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको पेपर करंट अफेयर सेक्शन बीस नंबर का आएगा मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है स्कोरिंग क्यों क्योंकि जब बीस क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स या क्वांट के करोगे दे विल टेक यूर टाइम आपका टाइम लेंगे बट इफ यू आर सोल्विंग करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता तो जो वो साठ मिनट में हंड्रेड क्वेश्चन करने वाली आपकी स्पीड है ना वो आपको थोड़ा ज्यादा एज देगी करंट अफेयर में राइट right? तो इसमें वी हैव अराउंड इन पे फोकस करना कोई भी वन डे करंट वाली जो मैगजीन आपकी आती है उसको उठा लीजिएगा उसमें उठा के बहुत कुछ वो भरा होता है उन मैगजीन में बिकॉज दे कवर एवरीथिंग एंड एनी थिंग अंडर द सन उसमें से आपको ये जो छह सेक्शन है मेन ये रटने हैं और इन छह मेन सेक्शन में से भी अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं तो तीन तरह के अवार्ड्स कर लेना

बुक्स एंड ऑथर्स जितने भी हैं किसी भी टाइप के हैं वो छोड़ने नहीं है चाहे कोई हिस्टोरिक है चाहे कोई नया आया है राइट थर्ड थिंग जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो पहले ना करंट अफेयर्स की जगह पे लिखा ही जनरल अवेयरनेस होता था दिस इज द फर्स्ट टाइम आईबी ने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पेसिफिक वर्ड करंट अफेयर्स दिया है ठीक है जनरल अवेयरनेस में आपने जो फेमस फिनोमिनाज होते हैं ना कि भाई कहीं पे मिलिट्री कू हो गया कहीं पे कहीं पे साइक्लोन आ गया इस साइक्लोन का नाम क्या था ऐसी चीजें याद रखनी है ये इस डेप्थ में नहीं जाना कि भाई साइक्लोन आया क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन में, न, 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 राइट में आपका थीज थीज थर्ड थिंग अगर डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स की बात करें तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स दो तरह तरीके की होती है एक भारत ने कुछ लिया सेकेंड थिंग चाइना ने पाकिस्तान को कुछ दिया तो ये दोनों ही हमारे लिए जरूरी है और इनका डेप्थ कितना होना चाहिए

ठीक है इसको लिख लो ये डिटेल में करना है जैसे हमने तीन चार दिन पहले वो कर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वो 2021 का क्वेश्चन ही था ठीक है दी थी, 15 तक दी थी। remember, कितनी लिमिट है उसकी दस लाख तक तो बस ऐसी चीजें स्कीम्स में करनी है लेकिन वो सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स की होनी चाहिए क्लियर उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल है कोई इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पे और जैसे मान लीजिए केरला गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट चलाया आपको पता होना चाहिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट चलाया पता होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसके फेवरेट हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, पे कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट जो यूनिक हो जैसे लार्जेस्ट सोलर वाला जो फ्लोटिंग प्लांट है वो कहां पे है इस तरह के जो यूनिक प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे ना तो उस पर फोकस कीजिएगा राइट देन कमिंग टू पर्सनैलिटीज इन न्यूज पर्सनैलिटीज जो हमने अवार्ड वाला सेक्शन करा किसको वो अवार्ड मिला है वो पता होना चाहिए दूसरा मान लीजिए कोई जो ब्यूरोक्रेट है वो न्यूज में है किस वजह से न्यूज में फॉर का uh, uh, तो उनकी पोस्टिंग हुई थी 2021 में तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था ठीक है उसके बाद किस किस गवर्नर की कहां, -कहां पे अपॉइंटमेंट हुई है रिसेंट अगर आप पूछो कि सर कितना पीछे जाना है तो ये ना एक साल से पीछे करंट अफेयर्स नहीं पूछता

कौन सी वो कंट्री थी जिसको टीबी फ्री बोला गया तो ये इसका साइंस में सेकंड फेवरेट पार्ट है क्लियर सो so, ये था आपका करंट अफेयर्स चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद जनरल स्टडीज में मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये रहेगी क्योंकि यूपीएससी वाले लोग ना थोड़ा इनको फोमो थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो जो यूपीएससी वाले हैं एक किताब उठा लेना उसका नाम है ल्यूसेंट ठीक है सारी नहीं पढ़नी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर पेज टिक करके भेज दूंगा विच आर द पेजेस विच आर टू बी रेड फ्रॉम ल्यूसेंट जीएस क्योंकि क्वेश्चन बीस आएंगे इसमें से ठीक है कोई इसका ट्रेंड नहीं है सत्रह का पेपर भी, करा, 21 के भी जितने तीन शिफ्ट वाले पेपर थे, सारे, सारे करे, ये तीन या चार एनालेशन हम निकाल पाएंगे नथिंग एल्स हिस्ट्री के ऊपर आपको जो फोकस करना है चाहे वो एंशियट है चाहे मिडाइवल है फिर चाहे वो मॉडर्न है चाहे आर्ट एंड कल्चर है आपको प्लेस पता होनी चाहिए कि भाई ये इवेंट हुआ था तो इस प्लेस पे हुआ था ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ ग्वालियर टैंकोटेड तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था

जो आपका स्पेक्ट्रम में लास्ट पार्ट है ना तो वो चैप्टर रट लीजिएगा इन डिटेल ठीक है तो उसमें से जो 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 होते है, होते हैं हैं वो डिटेल में example, में में एंड एंड लास्टली हिस्ट्री भी भी न्यूज फॉर अपना ये कुकीज मीतीस का केस चल रहा था तो मीतीस का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो उसने पूछ लिया था तो आर्ट एंड कल्चर से अगर वो आपकी न्यूज कोई हार्ड एंड फास्ट भी आपको लगे कि भाई ये पूछ रहा है वो नहीं वो न्यूज से होगी तो उसके पीछे आर्ट एंड कल्चर वाली सारी नितिन सिंघा ने रिवाइज करने मत चले जाना ठीक द रीजन बींग टाइम हमारे पास डेढ़ महीना है पंद्रह जनवरी के बाद यू कैन एक्सपेक्ट योर पेपर सीइंग लास्ट फ्रेंड्स इकोनॉमी किसी भी जहां पे भी आपको बजट का कंपाइलेशन मिलेगा वो बजट का कंपाइलेशन ले लेना टैक्स कौन सा टैक्स ये है सर चार्ज क्या है से दिस एंड दैट उसको कोई मतलब नहीं है वो पूछता है फिगर्स ठीक है कितना हमारा जो अपना व्हाट यू कैन कॉल फिस्कल डेफिसिट कितना था रेवेन्यू डेफिसिट कितना था दिस एंड दैट तो वैसे फैक्ट्स रट लेना इकोनॉमी में से एक या दो क्वेश्चन इसमें से भी निकल जाते हैं पॉलिटी अगर आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार है तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है इट विल सॉल्व योर पर्पस उतना ही पूछता है है बस अगर नहीं तैयार तो ड्यूसेंट से मत करना आई वुड सजेस्ट कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड डेवलपमेंट वाली एनसीआर है मोस्टली जो मैंने वहां से देखी एज इट इज वो वोट्यूशन वर्क डेवलपमेंट वर्क वाली जो आपकी इलेवन स्टैंडर्ड की एनसीआर उसमें से था एंड लास्टली करंट से क्वेश्चन पूछता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक क्रिकेटर की डेथ हुई थी जून दो uh, में तो 21 में ये पेपर था तो उसने उनके बारे में पूछ लिया तो वो हरियाणा से क्रिकेटर थे रोहतक से आई फॉरगेट हिज नेम तो एक करंट में भी ये अपना जीएस में ये क्वेश्चंस पूछ लेता है क्लियर है चलिए उसके बाद क्वांट के बेसिकली uh, 20 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं अगर आप बोलो कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द चंक दैट इज 75 टू 80% वो आपके जो ये इजी वाले टॉपिक्स हैं मैंने यहां पे नोट कर दिए इनमें से ही पूछता है ठीक है डू नॉट गो इन टू दीज टॉपिक्स एल्जेब्रा जोट्री मैं ट्रिग्नोमैट्री क्योंकि इनमें ना फॉर्मुलज होंगे जो तो टच में है मैथ्स बैकग्राउंड वाले उनके लिए तो ईजी रहेगा नहीं तो आप सात दिन इनके फॉर्मुलाज रटने में वेस्ट कर दोगे कि टू 2D फिगर्स की करना फिर सारे के सारे 3D फिगर्स की करना ज्योमेट्री में ट्रपीजियम देखोगे ये रोमबस वोमबस वो किसी को याद होता नहीं है ठीक है तो इन चीजों पे टाइम मत अपना वेस्ट करना चार क्वेश्चन जाते हैं जाने दो नो no इश्यूज बट इन पे अपनी मास्टरी हासिल कर लेना सारे इजी के इजी टॉपिक्स हैं क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे राइट वी हैव नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल रेशियो है स्पीड एंड डिस्टेंस वर्क एंड टाइम एवरेज प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट एंड लास्टली दो क्वेश्चन हर एक पेपर में डाटा इंटरप्रिटेशन के भी थे राइट right? <coughs> उसके बाद पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये है पेपर आपका दो हजार इक्कीस वाला ठीक so है सो इफ यू कैन सी पहला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप कहां पे दिस था उसका किसको मिला? तो ये से था uh, क्वेश्चन नहीं है उसने उसको लेना ले so उसके बाद उसने रक्षिता से पूछा दैट वॉज अगेन अ गवर्नमेंट स्कीम फॉरवर्ड क्वेश्चन है फिर से सक्षम पे दैट वॉज अगेन अ गवर्नमेंट स्कीम उसके बाद उसने पूछा कि भाई, एयरपोर्ट डेवलपर्स? ठीक है तो फिर से वो पे क्वेश्चन आ गया जो उसका इकोनॉमी में फेवरेट एंगल है उसके बाद साइंस में अगर पूछा तो उसने मस्क का स्पेस एक्स पूछा लेकिन कुछ नहीं पूछा कहां जाएगा कि भाई कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च थी थीके? सिंगल रॉकेट थी नहीं थी क्यूबसैट थी नहीं थी उसके बाद

ठीक है फिर जैसे लखनऊ पैक्ट था मैंने बोला कि भाई उन्नीस से पहले पहले क्या पता होना चाहिए सिर्फ टाइम ठीक है तो कब हुआ तो उसने उन्नीस सौ सोलह दैट सेट उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन था वेरी इजी से है ये विच इंडियन स्टेट हैज बाराबती फोर्ट फिर लोकेशन से आपका क्वेश्चन था तो इन सिमिलर मैनर जैसे यहां मान लीजिए उसने बजट से क्वेश्चन पूछा ठीक है तो उसने सिर्फ फैक्चुअल डेटा पूछा कि डी को बॉलिश करा या नहीं करा। उसके बाद जो uh, uh, societies भी मैथ्स के भी अगर हम questions देखें क्वांट के तो वी सबसे पहले ये डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन था इलेवन नंबर के डिविजिबिलिटी रूल पे था फिर उसने परसेंटेज पे पूछा फिर स्पीड एंड डिस्टेंस में था स्पीड एंड डिस्टेंस में दो चीजें कवर कर लेना एक तो ट्रेन का स्पीड एंड डिस्टेंस ठीक है कितनी रिपीट से जा रही है दो आपस में क्रॉस होंगी दिस एंड दैट वही फेवरेट एरिया है दूसरा बोट्स में से अप्रीम जाएगी कितनी स्पीड है डाउन स्ट्रीम आएगी कितनी स्पीड है this, this है दिस दिस क्राइटेरिया ठीक फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इजी क्वेश्चन है हार्ड फास्ट नहीं है इनमें ठीक है हार्ड फास्ट जो आपको चीज लगेगी वो ट्रेग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री मैं इस सब में लगेगी वो मत करना लीव दैट उसके बाद वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है एवरेज सिंप्लीफिकेशन पे एक क्वेश्चन आ गया

तो यू हैव टू स्कोरउंडिक्सा मार्क्स दैट्स अट इफ स्कोर कि आप थोड़ा रिलेक्स फील करोगे एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर टायर टू मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद आपकी ये ट्रेनिंग होती है सम डे लेटर बिकॉज वी है पॉजिटिव ऑफ टाइम ट्रेनिंग सबसे पहला जब आपका हो जाता है तो सबसे जो डिफिकल्ट चीज इसमें मानी जाती है वो वेरीफिकेशन होती है सो दे गो टू योर स्कूलो दे गो टू दस्पिटल द बर्थ रिसेंट दैट एंड बेसिकली हो जाता है बट यू शड बी वेयर अबाउट दीज थिंग्स कि थोड़ा सा इसका वेरीफिकेशन आस्पेक्ट थोड़ा टफ होता है उसके बाद ट्रेनिंग आपकी पहले फेज में जो दस वीक्स की ट्रेनिंग होगी फिजिकल ट्रेनिंग होती है और बेसिकली वेपन ट्रेनिंग दी जाती है आपको आर इन इंडिया, कहां पर दी जाती है इंटेलिजेंस वाले देखते हैं वो दिल्ली में ट्रेनिंग होती है आपका में आपका बीएमसी कोर्स होता है बीएमसी एमसी स्टैंड फॉर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स है ना तो पहाड़ों पे लेके जाएंगे पहले जे के में लेके जाते अरुणाचल राइट सो दिस इट एंड इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर यूपीएससी तो साइड में अगर प्रिलिम्स की तैयारी करने लगे हो दिन में तीन घंटे हो देव प्लान एंडिंग तक या मिड जनवरी तक अपना मेन्स चलाना है तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर यूपीएससी प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ दिस ठीक है रही बात उन बच्चों की जो आप बोल रहे हैं कि हम फाइनल ईयर में हैं, ग्रेजुएशन देखो दो तरह की ऐसी प्रॉब्लम होती है फाइनल ईयर वाली

अगर आप पेपर दे चुके हो बट रिजल्ट की जब फाइनल मार्कशीट है वो नहीं है ऑलरेडी uh, टोल्ड आप uh, शुरू करके देख लेना करंट अफेयर कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो कोई भी वनडे मैगजीन बस उसमें से टॉपिक ये फोकस करना क्योंकि वो वनडे वाली मैगजीन कम से कम सौ पेज की होती है एंड पिछले बारह महीने से सौ पेज वुड भी बारह सौ पेजेस अगर ये पेजेस पे फोकस करोगे दैट वुड बी वुडउंड ट्वेंटी ट्वेंटी तीन चार सौ पेज होंगे उनके शॉर्ट नोट्स अपने मन में बना के रट लेना क्योंकि इन जैसे एग्जामिनेशन में जहां पे सौ क्वेश्चन साठ मिनट में करने मेमोरी रोल है ना कई बार वो याद आ जाता है यार पे ये चीज़ लिखी थी वो दिमाग में पिक्चर मेमोरी आ जाती है सो so, उस चीज से यू कैन अप्रोच चलो टेलीग्राम चैनल इज दिसर स्कोर गिल यूपीएससी ठीक है

आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में यू कैन यू कैन गिव द एग्जामिनेशन बट कंडीशन ये है कि भाई होना चाहिए चलिए सी यू बच्चे हाइट वाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है हाइट इस एग्जाम का क्राइटेरिया नहीं ऐसा नहीं है कि भाई साढ़े तीन फुट चार फुट वो नहीं बट स्टिल हाइट इज नॉट द क्राइटेरिया